नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एक, और स्वागत है आज के वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं मर्सिडीज बेंज EQC के बारे में। अभी ये मर्सिडीज बेंज EQC जो है वो एक ऑल इलेक्ट्रिक कार है मर्सिडीज की ओर से, SUV भी आप इसे कह सकते हो, SUV लुक इसका है। और ये वो कार है जो मैं अगर कभी भविष्य में पैसे हुए और इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन हुआ तो ये हम कह देंगे। रीज़न, पहली बात तो मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत बहुत पसंद है। आप अगर देखोगे इस साइड से तो बहुत ही खूबसूरत ये गाड़ी लगती है। उसके बाद में इस गाड़ी में जो है ख़ासतौर से इसका जो पावर ट्रेन दिया गया है वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। रेंज वगैरह भी जो काफ़ी मॉडरेट है, ऐसे कम रेंज नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं लगता है। हालांकि अभी के हिसाब से 470 ज़्यादा लगता है, फ्यूचर में जब इलेक्ट्रिक कार्स और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी तो हो सकता है इतनी ज़्यादा ना लगे ये, पर हो सकता है उस टाइम तक इसका कोई और वेरिएंट हमें देखने को मिल जाए। तो यहाँ जो है देखो EQC 400 लिखा हुआ है। 400 इसलिए क्योंकि ये 407 हॉर्स पावर जो है वो जनरेट करती है। उसके बाद में इस गाड़ी में जो है 470 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है, 471 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है। ये यहाँ आप देख सकते हैं इसका चार्जिंग पॉइंट है, जिसको अगर मैं पुल करूँ तो ये चार्जिंग पॉइंट कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। और इसको यहाँ प्लग करते ही यहाँ चार्ज शुरू होता है तो ये लाइट आती है। यहाँ जो है इसके ये टायर प्रेशर वगैरह की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है 100-250 वाट जो है वो सही नहीं है, 440 वाट जो है वो इसके लिए होना चाहिए। तो अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये जो है इंटीरियर है कुछ ऐसा मर्सिडीज की इस EQC का। यहाँ पे कोई SOS का बटन चालू कर गया है तो ये आवाज़ कर रहा है कंटिन्यूसली। बट एनीवेज, यहाँ पे ये जो आप बटन देख पा रही हैं क्रूज़ कंट्रोल के बटन है, इस तरफ आप जो ये बटन देख पा रही हैं वॉल्यूम कंट्रोल के बटन है। यहाँ पे दो यूनिट है LED की, मतलब सामने डिस्प्ले की, एक ये और एक ये। ये जो है आपको ड्राइवर सारे एड्स दिखाती है, मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो बैटरी परसेंट दिखाता है, यहाँ पे स्पीड दिखाता है, और साथ ही में जो है आपको यहाँ और भी वाइटल इन्फॉर्मेशन दिखाता है। ये अभी 92% बैटरी पे ही दिखा रहा है। उसके बाद में इस तरफ जो आप ये देख पा रहे हैं नीचे की तरफ यहाँ पे, तो ये जो है गियर शिफ्टर्स है। अभी यहाँ पे गियर्स नहीं है, बट ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग किस लेवल पर काम करनी चाहिए उसके शिफ्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद में इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ये सीट्स के कंट्रोल, मतलब यहाँ पे जो सीट्स है हीटेड सीट, उसके कंट्रोल यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सारे कंट्रोल्स है विंडोज से रिलेटेड, जो भी आपके पास पावर विंडोज है। यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये है लॉकर अनलॉक का। ये बहुत ही अच्छा फिनिश यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ना, ये भी काफ़ी खूबसूरत इसका लगता है। और इधर बीच में अगर आप देखोगे तो ये सेम डिज़ाइन यहाँ पे भी रिपीट होता है। और ये सारे कंट्रोल्स AC से रिलेटेड है, ये सारे नेविगेशन मैप वगैरह रेडियो मीडिया यहाँ से आप चला सकते हो। ये इस तरीके से बंद हो जाता है, ये टच पैड है जिससे आप इसको एक्सेस कर सकते हो, और ये दबता भी है, मतलब टच भी होता है, और इस पर हैप्टिक फीडबैक भी एक तरीके का। यहाँ पे आप कंट्रोल मोड्स जो है वो यहाँ पे कर सकते हो, ये चार्ज लगाना है नहीं लगाना है वो वाला ऑप्शन आपके पास यहाँ अवेलेबल है। ये वॉल्यूम अप डाउन का बटन है, यहाँ पे जो है ये ऑन करना है या नहीं करना है म्यूजिक सिस्टम, उसका बटन है, और ये पार्किंग कैमरे का बटन है। इसको प्रेस करते ही टिपिकल मर्सिडीज जो आप देखते हैं वो है यहाँ पे। अंदर USB दी हुई है, टाइप सी अगेन, बंद कर देता हूँ मैं। उसके बाद में ऊपर की तरफ यहाँ पे सनग्लास होल्डर है, कुछ LEDs हैं, और सनरूफ जो है उसको ओपन करने के कंट्रोल्स है, हालांकि अभी सब कुछ बंद है। ये गाड़ी का क्या है आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, ये बटन मुझे नहीं पता है। और ये गाड़ी का इंटीरियर लाइटिंग वगैरह का है सेटअप, यहाँ पे सनरूफ जो है वो ओपन होती है, और इतनी सी सनरूफ है आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं। अब हम पीछे की ओर चलते हैं, पीछे की सीट्स पे मैं आपको बता दूँ क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ये बूट ओपन करने का लेवर है यहाँ पे। ये गाड़ी का पार्किंग ब्रेक दिया गया है, यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। पीछे की सीट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिल ही रहे हैं। उसके बाद में ये पावर विंडो का कंट्रोल है, और अगर आप यहाँ देखें तो इस सीट पे इतना कुछ स्पेस है, स्पेस पीछे ज़्यादा नहीं है, तो वो एक थोड़ा सा डाउनसाइड है इसका। हालांकि फिर भी एक 5'8" के बंदे के बैठने के लिए स्पेस काफ़ी है, जब सामने वाली सीट अपनी पूरी तरीके से पीछे अगर खिसकाई हुई हो तो उस सिचुएशन में। यहाँ दो स्पेस दिए गए, और ये यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो आप यहाँ पे ब्लोअर की स्पीड, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा LED लाइट्स दी गई है, और LED लाइट बहुत ही सुंदर तरीके से दी गई है। अगर आप ढंग से देखें, मैं दिखा पाऊँ आपको, तो बहुत ही सुंदर तरीके से जो है वो दी गई है। आई लाइक दैट। बंद कर सकते हो आप इसको यहाँ से, और अब इसको यहाँ से चालू भी कर सकते हो। यहाँ पे ये मटेरियल पूरा लेदर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे बीच में जो मैं दिखा रहा था आपको, अलग तरीके का गोल्डन टेक्सचर जो है वो देखने को मिल रहा है। पीछे की ओर ओपन करते हैं, फिर मैं आपको इसकी मोटर्स वगैरह दिखाता हूँ। ये बूट है, काफ़ी प्रैक्टिकल लगने वाला बूट मेरे को यहाँ पे ये लग रहा है, और हर जगह क्वालिटी वाले मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। ये ऑब्वियसली यहाँ पे टूल किट वगैरह आएंगे, अभी कुछ नहीं रखा है क्योंकि ये एक एक्सपो में खड़ी है। ये अगर आप दबाएंगे तो सीट्स जो है वो नीचे गिर जाएंगी, ये नीचे गई,
ये अगर आपने दबाई तो सीट नीचे चलेगी, तो ये इसका सीन है। वापस ऊपर नहीं आती, वापस ऊपर आप ही को लगानी पड़ती है। और ये यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, ये ऊपर दिया गया कवर है इसका। बटन दबाएं नीचे आ जाएगा चार्ज, यहाँ से लगता ही हमने आपको बताया ही है। अगर मैं खो पैसेंजर साइड से आपको कुछ दिखाना चाहूँ, ग्लो बॉक्स वगैरह, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले सीट के कुछ फंक्शन बताता हूँ। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, उसके बाद में लंबार सपोर्ट एडजस्ट कर सकते हैं, ये थाई सपोर्ट आप एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पे। ये यहाँ पे ग्लो बॉक्स बहुत ही शानदार। हज़ार लैंप अगर आप ऑन करने हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे ये हुड ओपन करके मोटर दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे जो है टिपिकली इंजन होता है, बट यहाँ पे इसकी ऑब्वियसली मोटर रखी हुई है। और अगर आप मोटर देखना चाहें तो ये इसकी मोटर है। और ये मोटर जो है वो आपको 300 किलोवाट यानी कि लगभग 408 हॉर्स पावर जो है वो प्रदान करती है। और मतलब कमाल की ड्राइव इस गाड़ी की बताते हैं। मैंने तो ऑब्वियसली इसको चलाया नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। ओके, थैंक यू। बाकी कुछ ऐसी दिखती है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, अगर ये मर्सिडीज बेंज का लोगो आप देखेंगे तो ये उभरा हुआ लग रहा है आपको। देखो ये उभरा हुआ लग रहा है, बट अगर आप इसको टच करेंगे तो इसके ऊपर एक ग्लास फिनिश है जो कि इसको बहुत स्लीक बनाती है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो इनमें लाइंस भी दी गई है, तो आपको शायद नहीं दिख रही होगी कैमरा पे। बाकी गाड़ी में कई और फीचर्स हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, कुछ कैमराज लगे हुए हैं यहाँ पे आगे। ये कैमराज जो है लेन वॉच असिस्ट वगैरह वाले फीचर्स इनमें दिए गए हैं, रडार ब्रेक सपोर्ट वगैरह भी बनाते हैं। और सामने की तरफ ये पार्किंग सेंसर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और ये कमाल की यहाँ पे LEDs जो मर्सिडीज की टेक्नोलॉजी है जिसको ये कुछ बोलते हैं, उसका नाम मुझे नहीं पता है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारी यहाँ पे व्हील्स रिम्स जो है, ये इस पर स्पोक्स जो है वो कितनी इंटरेस्टिंग, ये है 235/45R21 इसकी साइज़ है। बस फिलहाल इतना ही है दोस्तों इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। EQC के बारे में अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। और इतने सब्सक्राइबर हो जाएं कि हम ये खरीद पाएं। वाह, जस्ट किडिंग, बाय बाय।